गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगी। तो आज हम आपको पाठ 6 हीरा कोयला नामक पाठ से प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखवाए थे और आज हम आपको 3, 4, 5 लिखवाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोयला हीरे को क्या दोष देता है? कोयला हीरे को क्या दोष देता है? तो ही कोयला कहता, हीरा तुम अपने कारण सम्राटों का सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है, मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि वह तुझे मुकुट में लगाकर देवताओं को वश में कर सकता है। इस तरह अनेक दोष कोयला हीरे को देता है। कोयला क्या दोष देता है? हीरा तुम अपने कारण सम्राटों का सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है, मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि वह तुझे मुकुट में लगाकर देवताओं को वश में कर सकता है। इस तरह अनेक दोष कोयला हीरे को देता है। प्रश्न नंबर 2 है, कोयला किस लिए जलता है? कोयला किस लिए जलता है? कोयला दूसरों के लिए। उत्तर, कोयला दूसरों के लिए जलता है, अपने कारण दूसरों को नहीं जलाता है। और यह जलकर गरीबों की जरूरतें पूरी करता है। पुनः देखें, कोयला किस लिए जलता है? उत्तर, कोयला दूसरों के लिए जलता है, अपने कारण दूसरों को नहीं जलाता है, जलकर गरीबों की जरूरतें पूरी करता है। प्रश्न नंबर 5 देखें, कोयले ने सच्चे आभूषण किन्हें कहा है? कोयले ने सच्चे आभूषण किन्हें कहा है? उत्तर, कोयले ने सच्चे आभूषण प्राकृतिक नेचुरल ठीक प्राकृतिक को कहा है, प्रकृति को कहा है, नेचुरल को कहा है ठीक। कोयले ने सच्चे आभूषण प्राकृतिक